राधा ने सजाया भाई कान्हा जी को। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस अभी सुबह के 6 बजे हैं और हमने धुआं कर दिया, आप देख पा रहे हो, ताकि मक्खी मच्छर वो नहीं आए। ये देखिए दो जगह कर दिया, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, ताकि कौन सी भी हवा चले धुआं है वो पशुओं की तरफ आता रहे। और सूरज देखिए पेड़ के पीछे से, ये देखिए सूरज काफ़ी तेज़ आज भी निकला है। क्लियर में अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए गाइस, और बादल देखिए कितने मस्त हो रखे हैं। विष्णु खड़ा भाई। तो गाइस आज स्कूल की छुट्टी है तो विष्णु लेट तक सो रहा है, बाकी बच्चे तो खड़े हुए हैं, सारे लेट है आज, क्योंकि 7:10 हो चुके हैं। और विष्णु खड़ा हो, जल्दी कर, चाय ठंडी हो जाएगी तेरी, ले थोड़ी चाय पी ले, खड़ा हो। यहाँ पे दूध निकालने का काम हो रहा है। भाई जी विष्णु तो दोबारा सो गया है, खड़ा विष्णु। और विष्णु आप तो सोने दो, छुट्टी है तो छुट्टी है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना, सूरज देख उधर, ये देख 9 बजने वाले हो गए हैं, पूरा धूप आ गया है। तो मेरा क्या काम है अब? खड़ा हो। तो भाई यहाँ विष्णु की मम्मी है, वो घी निकाल रही है, देखिए क्या मस्त चूंटी है। मैं खा लूं क्या? नहीं ना। ओ तू क्या कर रही है? ये देखो मक्खन खा रही है, रोटी की ठंडी रोटी में मक्खन खा रही है। बना तो भाई ये बच्चियां पानी पी रही है, दोनों देख सकते हो आप, कंपटीशन से पानी पिलाते हैं इसे। अगर एक एक को रखे ना तो नहीं पीती, दोनों को साथ में रखते हैं ना जल्दी जल्दी पी लेती है। तो गाइज ये यहाँ पे खाना है तैयार, नाश्ता करेंगे, 9 बज चुके हैं और नाश्ता करें अभी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और ये सत्तू किसके लिए? मेरे लिए, ये बच्चों के लिए सत्तू है भाई, मेरे लिए दही और मिर्च और नमक और रोटी। वाह। तो गाइस 10:30 का समय फिलहाल हो चुका है और आज धूप भी है और साथ में बादलवाई भी, आप देख सकते हो कभी धूप आ रही है तो कभी ठंड आ रही है, कभी धूप कभी छांव। यहाँ पे भाई विष्णु लगा हुआ है, ये देखिए फावड़ा है ना, ये गोबर वाला, इसको साफ करा है, ये अच्छा बच्चा है ना फिलहाल, देखिए आप कितना अच्छा काम करा है। क्योंकि छुट्टी है इसकी 3 दिनों की, इसलिए ये कुछ घर का काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, अच्छा बच्चा ये। अरे चुन्नी क्यों खा रहा है तू? ये अभिषेक चुन्नी खा रहा है। भाई सब्जी रोटी अभी बन चुकी है, सब्जी तो बन गई है और रोटी बन रही है अभी, ये माँ बेटी आज रोटी बना रही है भाई। तो गाइस यहाँ पे देखिए मिस्त्री लोग कितनी मेहनत करे हैं भाई, ऊपर ईंट चढ़ा रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर। वाह, सुबह से कितनी ईंट डाल दी ऊपर? 1000। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो गाइस माँ और मौसी गांव से आ गए हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और मैस नाश्ता कर रहा है। माँ क्या क्या लेके आई है गाँव से? इतनी साड़ियाँ मेरे लिए क्या लेके आई है? वाह लड्डू, मस्त है लड्डू तो, चलो फिर खाएंगे। तूने खाया क्या लड्डू? तो गाइस यार यहाँ पे ये देखिए बिच्छू कितना बड़ा आया है यहाँ पे, ये हम कट्टे है ना ये ऊपर रख रहे थे यहाँ पे, देखिए ये कट्टे पड़े हैं ना गेहूं के ऊपर रख रहे थे, तो अचानक ये बिच्छू देखिए कितना खतरनाक पैर रख दिया था मैंने इसके ऊपर, तो बेचारा तड़फ रहा है अभी, देखिए आप ये देखिए मर गया, बहुत खतरनाक भाई, काट लेता ये देखो बिच्छू से डरता हुआ कहां पर, ये देखो ये विष्णु चारपाई पे लटक गया ऊपर, बिच्छू से डरता हुआ, सारे जने आ गए भाई बिच्छू को देखने के लिए। तो गाइज माँ और मौसी का व्रत है और मिस्त्रियों को हमने खाना खिला दिया है और फिलहाल हम खुद खाना खा रहे हैं। तो आज खाने में देखिए आप, सब्जी टिंडे की रोटी और छाछ और लड्डू है जो माँ लेके आई थी ना ननियाल से, ये लड्डू भी है मेरे पास,
और इधर अभिषेक और विष्णु भी खाना खा रहे हैं, देख सकते हो आप। राधा पढ़ रही है अपना, क्या पढ़ रही राधा? हिंदी में पढ़ रही हूँ, टेस्ट तेरा। हिंदी का टेस्ट है तेरा, चलो। तो भाई शाम के 4 बज चुके हैं और अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ काम करना है ना घर पे, तो फिलहाल चाय पी रहे हैं सभी। ओ मैसेज करा क्यों उन्होंने फेसबुक पे? मेरे को नहीं आ रही। तो भाई यहाँ पे चिप्स बन रही है, यदि चिप्स बना ली इसलिए केसरो जी पर। तो अच्छा जो व्रत है उनके लिए है। हाँ। और वहाँ पे चाय बन रही है। Yes. तो आज माँ पिताजी और कौन व्रत घर पे किसने किया व्रत? दो ने। तो माँ पिताजी ने जो व्रत किया उनके लिए चिप्स बनाई गई है भाई यहाँ पे, उधर चाय बन रही है और अभी शाम का समय तकरीबन 6:30 होने को है। तो यहाँ पे कान्हा जी देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो कान्हा जी को कितना सुंदर सजाया गया देखिए आप, एकदम नई ड्रेस डाली गई है पीले कलर की और कितने सुंदर घुंघराले बाल काले। कान्हा जी कितने मस्त लग रहे हैं ना आज, लग रहे हैं ना मस्त। पिताजी नए धोती और कुर्ते के अंदर फोटो का पोज करवा रहे हैं, फोटो बना रहे हैं बच्चे। बाबा जी ना लाओ मेरा दिया, दिया का सारा मिल गया जी को। मैं कहूं कबूतर एक रे मेडी पर उड़ेगा, दूसरे पर उड़ नहीं कोई। 1921 में 22 मई हो रोग। तो बन गए आ रहे, बन गए आ रहे, तेरा जादू चल गए आ रहे। भाई यहां से कितना सुंदर व्यू आ रहा देखिए, गाय अपना भोजन करिए और माँ यहाँ पे बैठी है और बच्चे चाय पी रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और देखिए कितना सुंदर दृश्य। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. तो फाइनली मिस्त्री तो है वो घर पे चले गए, क्योंकि वो अप डाउन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया आज तकरीबन 1500-2000 ईंटें ऊपर डाल दी है, चौगाठ है वो ऊपर रख दिए, 3 चौगाठे ऊपर रख दिए ऊपर के मकानों कमरों के लिए और पानी का ड्राम भर के रख दिया है। वो सुबह आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। तो गाइस आज खाने में है आलू की सब्जी, रोटी और दूध, अभी खाना खाते हैं। तो गाइस आज है कृष्ण जन्माष्टमी और हम सभी मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे। तो भाई अभी क्या कान्हा जी को क्या झूला झुला रहे हो? तो कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं भाई, मस्त भोग लगाया कान्हा जी को, सभी बच्चे है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये भाई गुब्बारे सजाए कितने मस्त, ये वाइट रेड और ये ब्लू, ये कान्हा जी का फैन है। ये है कान्हा जी का बेस्ट फ्रेंड है। और विष्णु ने टॉफी उठा ली, अभी शुरू कर दिया खाना, क्योंकि कान्हा जी को भोग लग गया है तो विष्णु ने अपना भोग शुरू कर दिया। चलो भाई अपनी अपनी उठा दो टोपियां। कान्हा जी कितने प्यारे लगे हैं ना, मैंने रेडी किया है। राधा ने सजाया भाई कान्हा जी को। और वो गोपी बहू, कौन सा नाटक देख रहे हो? गोपी बहू, गोपी बहू। और विष्णु ने टोपी खा ली। तो गाइज आज के वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।